भारत में क्रिप्टो करेंसी का चलन बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय निवेशकों ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल, यह अभी तक तय नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में अभी कोई कानून नहीं है। लेकिन अब लगता है कि जल्द सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर नए नियम बनाने की तैयारी में है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते बाजार, पारदर्शी विज्ञापनों और झूठे वादों के जरिए युवाओं को लुभाने जैसी बातों पर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले आरबीआई, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग अलग देशों और दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह बैठक बुलाई गई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि सरकार अब क्रिप्टो करेंसी पर कड़ी निगरानी रखेगी। क्रिप्टो करेंसी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार इस पर जो भी फैसला लेगी वह प्रोग्रेसिव और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेगी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि झूठे वादों और पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश बंद होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि गैर विनियमित क्रिप्टो मार्केट के काले धन को सफेद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही अस्थाई क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। यह मामला देशों की सीमाओं के ऊपर है, इसलिए ग्लोबल साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर से लगातार चर्चा करती रहेगी। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और चलन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को एक बड़ा खतरा बताया है। जितनी भी डिजिटली करेंसी है और वह सेंट्रल बैंकों के दायरे में नहीं आती है, इसलिए शक्तिकांत दास के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी लंबे समय के लिए देश के आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी में 70% से ज्यादा निवेशकों ने 1,000 से 2,000 रुपए का निवेश किया है। हालांकि इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए आरबीआई ने भविष्य के लिए सरकार को आगाह भी कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ऐसी उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले शीतकालीन सत्र के शुरुआत में ही सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विधेयकों को संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले भी सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विधायक बना चुकी है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की पूरी तरह से बैन करने की मांग की गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय निवेशकों ने बड़े पैमाने पर इसमें निवेश कर रखा है, तो इसे बैन नहीं किया जा सका और न ही फिलहाल इसमें बैन होने की उम्मीद है।